हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहर अंसारी। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जीपी रेटिंग ऑनलाइन क्लासेस के लिए पार्ट 7, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रोप के बारे में। रोप क्या होता है, रोप का टाइप क्या होता है, रोप कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना पार्ट शुरू करते हैं। हम लोग का आज चैप्टर नंबर है रोप। व्हाट इज रोप? पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रोप होता क्या है। रोप को आप हिंदी में बोल सकते हैं रस्सी। तो शिप में जो डेक डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनके लिए रोप तो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि बिना रोप के वो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। शिप को जेटी से बांधना हुआ या कार्गो ऑपरेशन हो गया, सब रोप की मदद से होता है। रोप में नॉट बैंड, हीच होता है, स्प्लाइस होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग रोप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम जनरली जान लेते हैं कि रोप क्या होता है। तो रोप को कैसे डिफाइन हम लोग करेंगे? तो रोप जनरली होता है, रोप इज लाइफ सेविंग अप्लायंस। रोप क्या है? तो एक लाइफ सेविंग अप्लायंस है। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, रोप इज लाइफ सेविंग अप्लायंस। रोप इज ए मेथड फॉर लाइफ सेविंग अप्लायंस। रोप इज यूज फॉर लाइफ सेविंग अप्लायंस। ठीक है, ये रोप हो गया। रोप को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज रोप, तो रोप कैन बी डिफाइन एज द लेंथ ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर दैट कैन बी यूज लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज रोप? तो रोप कैन बी डिफाइन एज द लेंथ ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर दैट कैन बी यूज फॉर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। तो ये मैंने डिफिनेशन रोप का बता दिया। रोप कैन बी डिफाइन एज द लेंथ ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर दैट कैन बी यूज फॉर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। ये रोप का डिफिनेशन हो गया। अब टाइप ऑफ रोप्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि रोप कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो जनरली देखा जाए तो रोप का जो टाइप होता है वो रोप 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो 3 टाइप का रोप हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया आपका 2nd टाइप और ये आपका हो गया 3rd टाइप। रोप जो होता है, रोप का 3 टाइप होता है। पहला जो होता है जिसको बोलते हैं वेजिटेबल, देखिए दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आप लोग सुधार लीजिएगा, वेजिटेबल फाइबर रोप, या इसका दूसरा नाम है नेचुरल फाइबर रोप। देखिए फाइबर का मीनिंग FIBER भी होता है और FIBRE भी होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रोप होता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक, SYNTHETIC, सिंथेटिक फाइबर रोप। जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं स्टील वायर। ठीक है, तो रोप क्या है? तो रोप कैन बी डिफाइन एज द लेंथ ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर दैट कैन बी यूज फॉर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। देयर आर 3 टाइप ऑफ रोप, वेजिटेबल फाइबर रोप और नेचुरल फाइबर रोप। वेजिटेबल फाइबर रोप को ही नेचुरल फाइबर रोप बोला जाता है, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर रोप और तीसरा होता है स्टील वायर। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है इनका भी अलग अलग ग्रुप होता है, इनके भी काइंड्स होते हैं। तो वेजिटेबल फाइबर रोप और नेचुरल फाइबर रोप में क्या क्या आता है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा कि वेजिटेबल फाइबर रोप और इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें आता है पहला आपका मैनीला, उसके बाद सीसम, उसके बाद आपका होता है हेम, उसके बाद आपका होता है क्वायर, उसके बाद आपका होता है कॉटन, उसके बाद आपका होता है जूट। उसके बाद जो 7 नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका नाम है फ्लेक्स, FLAX। ठीक है, तो मैनीला, सीसल, हेम, क्वायर, कॉटन, फ्लेक्स, जूट, ये वेजिटेबल फाइबर रोप और नेचुरल फाइबर रोप का टाइप्स है। ठीक है, अब जो आते हैं इसमें सिंथेटिक फाइबर रोप में क्या क्या होता है, तो इसमें आता है पॉलीप्रोपेलीन, उसके बाद आपका होता है केवलर, डाइनेमा,
स्पेक्ट्रा पोलिथीन प्लास्टर पॉलीप्रोपिलीन केवलर डायनेमा स्पेक्ट्रा, और ये आपका होता है उसके साथ साथ केवलर भी लिखवा दिया मैंने, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पोलोथीन प्लास्टर केवलर डायनेमा स्पेक्ट्रा नायलॉन पोलोथीन, नायलॉन मैंने नहीं लिखा इसमें, नायलॉन ठीक। तो ये आपने देख लिया, ये सभी क्या होते हैं, तो इसके पार्ट होते हैं। तो मैंने जैसा कि आपके सामने लिखवा दिया कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि पोलोथीन पोलिस्टर, पोलोथीन हो गया, पोलिस्टर हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, केवलर हो गया, और उसके बाद आपका स्पेक्ट्रा हो गया, स्पेक्ट्रा के साथ साथ आपका डायनेमा हो गया, डायनेमा डायनेमा ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको इसका टाइप लिखवा दिया ठीक है, ये मैंने रमरिंग गलत हो गया, आप इसको सही कर लीजिएगा, तो ये भी साथ हो गया ठीक है। उसके बाद स्टील वायर रूप में आ जाते हैं, तो स्टील वायर रूप में भी थ्री काइंड्स होते हैं। पहला होता है आपका कॉमन स्टील वायर, उसके बाद आपका होता है फ्लेक्सिबल होता है, देखिए ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल स्टील वायर। उसके बाद आपका तीन नंबर होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोल, उसके बाद होता है कॉमन स्टील वायर रोल, उसके बाद होता है एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोल। तो दोस्तों ये रोप का, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोप का काइंड हो गया। रोप क्या है, तो रोप कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर दैट कैन यूज फॉर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। देयर आर थ्री टाइप ऑफ रोप, वेजिटेबल फाइबर रोप, नेचुरल फाइबर रोप, सिंथेटिक फाइबर रोप और स्टील वायर रोप। वेजिटेबल फाइबर रोप के अंतर कौन कौन आता है, तो मैनीला आता है, सीसल आता है, हेम्प, क्वायर, कॉटन, फ्लेक्सा, जूट ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर रोप में पोलिथीन, पोलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, केवलर, डायनेमा, स्पेक्ट्रा, नायलॉन ठीक है। कॉमन स्टील वायर रोप में होता है, जो वायर जो होता है वो तार का बना होता है, उसको स्टील वायर बोला जाता है रोप में। तो कॉमन स्टील वायर रोप, फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप। तो इसमें से दो या तीन क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है। पर आपसे पूछ देगा कि मैनीला किस टाइप का रोप है, तो आपको बताना पड़ेगा वेजिटेबल फाइबर रोप है। सीसल कौन सा रोप है, तो वेजिटेबल फाइबर रोप है। फ्लेक्सिबल वेजिटेबल फाइबर रोप है, और क्वायर कॉटन वेजिटेबल फाइबर रोप है। लेकिन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, ये तीन नंबर आपका हेम्प ठीक है। पूछ देगा कि जो हम लोग मेजरिंग के लिए इक्विपमेंट उपयोग करते हैं ठीक है, साउंडिंग रॉड, साउंडिंग रॉड में कौन सा जो रोप होता है, साउंडिंग रॉड में या फोल्डिंग साउंडिंग रॉड में किस रोप का उपयोग किया जाता है, तो हेम्प रोप होता है। वो साउंडिंग रॉड में जो उसके साथ रोप लगता है उसका नाम है हेम्प ठीक है। और इसमें सब आपको इंपॉर्टेंट है ठीक है। पूछ देगा कि नायलॉन कौन सा रूप है, तो नायलॉन विच टाइप ऑफ रोप ऑफ नायलॉन, तो सिंथेटिक फाइबर रोप आपका बोलना पड़ेगा, पॉलिस्टर, पॉलीथन, पॉलीप्रोपिलीन, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैंने नहीं बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके सामने मैंने दिखा दिया। अब मैं स्टील वायर रोप के ऊपर आपको थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना ही पड़ेगा ठीक है। तो चलिए मैं स्टील वायर रोप के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो हम जो घर में जो नॉर्मली रोप का उपयोग करते हैं वो सब इसमें आ जाता है, लेकिन जो स्टील वायर रोप है, समझिए कि जो स्टील का बना होता है, माने जो स्टील का रस्सी होता है उसको स्टील वायर रोप कहते हैं। तो इसको ध्यान से आपको समझना होगा ठीक है। तो उधर जगह नहीं है तो मैंने इधर लिख दिया। कॉमन स्टील वायर रोप होता है 6×12, फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप होता है 6×24, और एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल वायर होता है 6×37। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप स्टैंड एंड सिंगल वायर इन ईच स्टैंड, तो आपको बताना पड़ेगा 6×37। ये बोलेगा कि किसका होता है 6×37, किसका होता है, तो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल वायर रोप का होता है, और 6×24 किसका होता है, तो फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप का होता है, और कॉमन स्टील वायर रोप क्या होता है, तो ये होता है 6×12। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि 6×12 क्या है, 6×24 क्या है, 6×37 क्या है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा, पूछ देगा व्हाट इज 6×24 या व्हाट इज 6×12, तो आपका बोलना पड़ेगा
नंबर इच, नंबर ये आपको बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ स्टैंड बराबर सिक्स, नंबर ऑफ सिंगल वायर इन इच स्टैंड ये आपका हो जाएगा 24। मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ये मैंने आपको क्या बताया, सिंगल सिंगल, ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। नाउ अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये मैंने क्या लिखा, ठीक है। स्टील वायर रोप ये होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो जनरली हम लोग रोप बनाते हैं तो समझ लीजिए ये रोप हो गया, ठीक है, ये आपका रोप हो गया, ठीक है। रोप में इस तरह होता है, ठीक है, तीन तीन स्टैंड होते हैं उसमें, ये तीनों स्टैंड को मिलाकर जोड़ा जाता है। ये जनरली रोप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, वेजिटेबल फाइबर रोप और सिंथेटिक फाइबर रोप। लेकिन जो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ वायर में, वायर में क्या होता है, देखिए वायर में, देखिए ध्यान से देखिए क्या होता है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हो गया, बारह हो गया। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये भी बारह आपको दिखाई दे दिया, बारह हो गया। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये भी बारह हो गया। यहाँ पर एक बीच में हार्ट होता है, फिर इधर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, छ हो गया, और ईच स्टैंड में क्या है, बारह बारह है। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात। इस कहने का मतलब है कि अगर ये जो स्टील वायर रोप है उसमें एक दो तीन चार पाँच छ, छ ठो रहता है, लेंथ छ ठो रहता है, और बीच में एक हार्ट होता है, मैं बताऊंगा कि हार्ट किस लिए होता है। और एक एक जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको बारह बारह मिलता है, तो उसको बोलता है कॉमन स्टील वायर रोप। उसी तरह सब में आपको छ छ ही रहेगा, लेकिन ईच स्टैंड में कितना हो जाएगा, यहाँ पर बारह मैंने काटा है तो बारह में कितना काटना पड़ेगा, तो 24, जो 24 जो हो जाता है वो नंबर ऑफ सिंगल वायरिंग है, ईच स्टैंड हो जाएगा। और उसी तरह अगर इसमें 37 हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल वायर रोप। तो मैंने आपको बता दिया। और बीच में ये जो हार्ट होता है, हार्ट का क्या उपयोग होता है, तो जो हार्ट रखा जाता है वो फॉर लुब्रिकेशन पर्पस रखा जाता है। मान लीजिए कि स्टील वायर रोप है, अगर उसमें ग्रीस या मोबिल नहीं डालेंगे तो रोप क्या हो जाएगा, स्टील वायर रोप क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा या वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए उसमें हॉट लगाया जाता है। तो पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ हॉट इन स्टील वायर रोप, तो आपको बोलना पड़ेगा फॉर लुब्रिकेशन पर्पस। सिर्फ आपको बोलना पड़ेगा कि सर हॉट लुब्रिकेशन पर्पस के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ये आपको नंबर ये याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टील वायर रोप के बारे में मैंने बता दिया। अब कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ कि जो रोप के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन में बहुत बार बार पूछा ही जाता है। मैंने हार्ट बोल दिया, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो मोरिंग रोप होता है जिससे जेटी में सीव को बांधा जाता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो पॉलीप्रोपेलेन का बना होता है। याद रखिएगा कि साउंडिंग रड में कौन सा रोप होता है, तो उसमें हेम्प होता है, और मोरिंग वायर यानी जो मोरिंग रोप होता है जिसे सीप को जेटी में बांधा जाता है वो किस चीज़ का होता है, तो वो पॉलीप्रोपेलेन का होता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि मान लो एक रोप है, ठीक, मान लो कि ये एक रोप है, ठीक है, रोप मैंने तुमको दे दिया, बोला कि तुम इसका डायमीटर माप के दिखाओ कि रोप का डायमीटर कितना है, माने उसकी चौड़ाई कितनी है, तो उसको जिस इक्विपमेंट से मापा जाता है उस इक्विपमेंट का नाम है वार्नियर कैलिपर। याद रखिएगा क्या नाम है उसका, वार्नियर कैलिपर। तो रोप को किस इक्विपमेंट से मापा जाता है, तो वार्नियर कैलिपर से। अब मान लीजिए स्टील वायर रोप हो गया, ये स्टील वायर रोप हो गया, ये स्टील वायर रोप हो गया, क्या हो गया, स्टील वायर रोप। तो देखिएगा कि ये स्टील हो गया, स्टील वायर रोप हो गया, स्टील वायर रोप में खींचने पर क्या होता है कि एक या दो तार उसमें से बाहर निकल जाता है, तो ये जो बाहर निकल जाता है इसको बोलते हैं किंक, इसको बोला जाता है किंक, क्या बोला जाता है, किंक। तो
ऑस्ट्रेलिया आदमी पूछेगा कि व्हाट इज किंक, तो किंक इज परमानेंट इंजरी स्टील वायर रोप। पूछेगा कि व्हाट इज किंक, तो किंक इज परमानेंट इंजरी ऑफ स्टील वायर। स्टील वायर में अगर इंजरी हो जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, किंक बोला जाता है। तो मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। अब जो स्टील, अब कोई भी रोप होता है उसको लपेटने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए क्या होता है, तो दो साइड होते हैं, एक राइट हैंड साइड होता है और एक लेफ्ट हैंड ले होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ट्विस्टिंग टाइप, TWIST, ट्विस्टिंग टाइप्स ऑफ रोप, दो टाइप होता है, एक होता है राइट हैंड ले, दूसरा आपका होता है लेफ्ट हैंड ले, ठीक। ये जो राइट हैंड होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट माने आप लेफ्ट से राइट में इस्तेमाल करते हैं, ये जो होता है राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट। ये शिप में 95% यही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं जेड ले, और ये शिप पर मात्र 5% उपयोग होता है, इसको बोलते हैं एस ले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपसे पूछेगा कि शिप में अधिकतर किस प्रकार का ट्विस्टिंग रोप का किया जाता है, तो सर राइट हैंड किया जाता है, तो बोल राइट हैंड ले बोला जाएगा। किस तरफ होता है, तो सर राइट हैंड जो होता है वो उल्टा होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, और जो लेफ्ट हैंड ले होता है वो सेम उसका उल्टा होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। लेकिन हम लोग राइट हैंड ले उपयोग करते हैं, शिप में जो यूज होता है वो राइट हैंड ले उपयोग होता है, यूज होता है, और ये कंफर्टेबल होता है यूज करने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा चीज आपको बता दिया, और रोप के बारे में मैंने आपको पूरा डिफिनेशन बता दिया। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो एक छोटा सा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।